कौन सी डॉन लग रही हो? भोजपुरी डॉन। दिवाली फैमिली एंड फ्रेंड्स टू ऑल। तो फ्रेंड्स, अब मैं बिल्कुल रेडी हो गई हूँ पूजा करने के लिए। दिया भी हाथ में ले ली हूँ, पूजा की सारी तैयारियां हो गई। तो मैं सोची चलो पहले मोबाइल उठा लूँ, थोड़ा सा वीडियो शूट कर लूँ, फिर मैं आप लोगों से आराम से मिलती हूँ। तो अभी पूजा कर लेती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, पूजा की तैयारी करना है तो सबसे पहले प्लेट थाली तैयार कर लूँ। तो ये है सारे ड्राई फ्रूट्स, तो ड्राई फ्रूट्स भी गिफ्ट में मिला है दिवाली गिफ्ट। और ये है काजू कतली और लड्डू जो पूजा के लिए है। और फ्रेंड्स, ये हमारे यहाँ जो पूजा होती है उसमें अनाज भरा जाता है, इसलिए जो भी मुझे यहाँ पे मिला वो मैं लेके आ गई मार्केट से। तो चलिए आइए अब छोटी हैप्पी दिवाली तो बोलो। हैप्पी दिवाली फ्रेंड्स। और दीपावली की पूजा में बोलते हैं कि बेटियां घर भरती हैं, तो यहाँ पे मेरी बेटी घर भर रही है। और फ्रेंड्स, शुरू से ही वो मिट्टी का जो बर्तन मिलते हैं अपने इधर, तो वो तो बाहर में नहीं मिलता, तो मैं यहाँ कटोरी में ही भरवाती हूँ। तो दो कटोरी यानी कि एक बड़ी बेटी के नाम से, एक छोटी बेटी के नाम से दो कटोरी रखती हूँ। उसी में पूरे अनाज होते हैं और फल मिठाई मूर्ति यानी जो चीनी के खिलौने होते हैं वो सब ड्राई फ्रूट्स, हर चीज़ से बोलते हैं घर भरा जाता है। और पैसे सोना चांदी जो भी रख दीजिए। और यहाँ पे पूजा हो गई है, अब आरती की जाएगी। और पूजा यहाँ पे हो गई फ्रेंड्स, तो कुछ दिए जलाने बाकी रह गए थे, तो वही चलते हैं नीचे और वो दिया जला लेते हैं। तो वही मैं बोल रही थी कि पूजा का टाइम मतलब कि करते करते बहुत टाइम लग गया था, तो कुछ दिए जलाने बाकी थे, तो बोले चलो इसे भी पहले जला देते हैं, उसके बाद फिर आगे दिखाऊंगी कि मेरे घर में लक्ष्मी कैसे आती हैं यानी लक्ष्मी जी कैसे आती हैं। तो चलिए वो भी शेयर करती हूँ। हर साल मैं ऐसे ही कर रही हूँ, जब से मेरी दोनों बेटी हुई है तब से मेरे घर में इस तरह से ही लक्ष्मी जी का सम्मान होता है और आदर से बुलाया जाता है। तो देखिए मेरे घर में लक्ष्मी जी आ गई हैं, तो अपने कदमों के निशान पूरे घर में रखेंगी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, एक थाली में पूरे कलर भर देते हैं लाल रंग का, उसके बाद बोलते हैं चलने के लिए। तो जब मेरी दोनों बेटी थी ना, तो बचपन से ही दोनों बेटियाँ ही मेरे घर में चलती हैं। और उसके बाद अभी बड़ी वाली नहीं है, तो छोटी वाली ये नियम कर रही है यानी दोनों करती है। तो जो घर में है उनसे करवा रही हूँ, तो किचन में भी जाते हैं क्योंकि अन्नपूर्णा देवी का वास होता है किचन में। और अभी स्टडी रूम और पूजा रूम में, तो बोलते हैं पूरे घर में तो मेरी लक्ष्मी जी आ गई हैं यानी घूम ली हैं। फिर यहाँ पर कुछ दिए रखने थे तो वो भी रख रही है। पूरा कितना मेहनत लगता है, उसके बाद सब हो गया पूजा, बस मैं घूम घूम के दिखा रही हूँ। फ्रेंड्स, हमारे घर का पूजा पाठ सब हो गया और बोलते हैं पूजा हो गई, लक्ष्मी माता मेरे घर आ गई। तो लक्ष्मी माता आ गई हैं, तो अब हम लोग थोड़ा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद खाना पीना क्या होगा। तो मैं सोच रही हूँ मैं यहाँ पे आप लोगों को बोलूँ, जो फर्स्ट टाइम आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें एंड शेयर करें। फ्रेंड्स,
ये आप लोगों के लिए है दिवाली का ट्रीट। फिर से हैप्पी दिवाली। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पूजा हो गया, उसके बाद सब लोग क्या ना एक जगह हम लोग इकट्ठा बैठते हैं, क्योंकि सबके घर घर जाना तो वो टाइम भी बहुत वेस्ट होता है और उतना टाइम भी नहीं होता। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सब लोग बाहर ही अपना चेयर चटाई लगा करके बैठे हैं, बच्चे खेल रहे हैं और जो भी स्वीट वगैरह है तो बाहर वही खाते हैं, मुँह मीठा करते हैं और यहाँ पे पटाखे भी छोड़े जा रहे हैं। दिवाली का त्यौहार है तो बोलते हैं चाहे कितने भी गम हो उसे कुछ देर के लिए भूल जाना चाहिए और दिवाली एंजॉय करना चाहिए। तो फ्रेंड्स बोलते हैं कि दिवाली क्या खुशियों का त्यौहार होता है, तो ऐसे ही सबके घर में खुशियां आए, माँ लक्ष्मी जी की कृपा सबके घर में बनी रहे। तो फ्रेंड्स दीपावली सेलिब्रेशन हो गया और यहाँ पे चेंज कर ली क्योंकि बहुत भारी भारी सा लग रहा था, और फिर अभी रिलैक्स, बिल्कुल फुल्ली रिलैक्स, दो तीन दिन तो रेस्ट करना है। तो सोच रही हूँ फ्रेंड्स कि अभी खाना आएगा, कब हम लोग खाना खाएंगे, खाना का वेट कर रहे क्योंकि थक गए ज़्यादा, तो सोचे चलो आज ब्रेक ले लेते हैं नाइट में, तो अभी तो ऑर्डर ही किए हैं तो आ जाएगा तो हम लोग खाना खा लेंगे। पता है सब लोग इतने पटाखा पटाखा जला जला करके ना इतना ज्यादा धुआं हो गया है कि जिसके कारण से गले में भी थोड़ा खराश, आंखों में जलन हो रही है, और वो भी घर भी बिल्कुल हम लोग बंद कर दिए हैं क्योंकि खुला रखते थे फ्रेंड्स, मगर क्या ना इतना ज्यादा धुआं धुआं हो गया पटाखों का कि बंद कर दी हूँ, फिर भी लग रहा है आंखों में जलन जैसी और गले में थोड़ा खराश हो रहा है। तो मैं अपनी बेटी को दिखाती हूँ कि वो अपने मतलब इस धुआं से बचने के लिए क्या की है। एक्चुअली धूप की वजह से मैंने नहीं लगाया, इतना पॉल्यूशन हो गया कि मेरी आंखें नहीं खुल रही है, इसलिए मैंने आंखें खोलने के लिए चश्मा लगाया। तो फ्रेंड्स दिवाली न्यू लुक है ना, दिवाली का स्पेशल लुक है। कौन सी डॉन लग रही हो, भोजपुरिया डॉन? भोजपुरिया डॉन। और फ्रेंड्स जोमेटो से खाना बुक किए थे, 11 बजे बुक किए, आने में टाइम लग गया, मगर फिर भी त्योहार के दिन और सर्विस देना बहुत बड़ी बात होती है, और बिल्कुल गर्मा गर्म खाना आ गया है। तो यहाँ पे खाना हम लोग निकाल देते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।